हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकरीन बलोच, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आई लाया हूँ आपके लिए अनदर व्लॉग। जी हाँ, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज है 13 रजब की रात। तो 13 रजब को हजरत अली की विलादत थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला हम जश्न मनाएंगे आज रात, और ढोल वाले को भी बुलाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं, तो मैं बुला रहा हूं ढोल वाला। जैसे ही ढोल वाले आते हैं तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ जरूर शेयर करूंगा। A few moments later. हाँ जी व्यूवर्स, तो ढोल वाले आ चुके हैं, और ढोल वाले 3 लोग हैं जिन्होंने पुरजोश तरीके से ढोल बजाना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक के ढोल वालों के साथ मूवी वाले भी आए हैं, जो इनकी वीडियो वगैरह भी बना रहे हैं। और आज 13 रजब है, 13 रजब की रात है, और 13 रजब की रात को हजरत अली की विलादत थी। हम पुरजोश तरीके से ये विलादत मना रहे हैं। फिर मैंने अपनी तरफ कैमरा मारा, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को भी दिखा दूं, और मैं कितने पुरजोश तरीके से हजरत अली की विलादत मना रहा हूं। और फिर कुछ ही देर में मैंने लाइट की तरफ देखा, लाइट कुछ सही नहीं आ रही थी, और तो मैंने सोचा क्यों ना फिर भी वीडियो बना ली जाए। और कुछ ही देर में मेरे दोस्त आ गए, और उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाना शुरू कर दिया, और पीछे एक और दोस्त खड़े थे, और फिर मैंने ढोल वालों की तरफ मारना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कितने परजोश तरीके से ये ढोल बजा रहे थे। तकरीबन इनको 1 घंटा हो चुका था, फिर भी इनके हौसले बहुत मजबूत थे, क्योंकि हजरत अली की विलादत की रात थी। तो इन्होंने कहा था कि हम पूरी रात को भी बजाने के लिए तैयार हैं, और हम पुरजोश तरीके से बजाएंगे, और हम अगले दिन भी अगर आप कहेंगे तो हम ज़रूर आएंगे, और हम सारी रात बजाते रहेंगे। इनका पुरजोश तरीका देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इनको देख रहा था और इनके जज्बे को देख रहा था, और साथ ही मेरा एक और दोस्त आ गया। मैंने सोचा मैं क्यों ना इसके साथ भी वीडियो बना लूं। तो ये लड़का भी बहुत पुरजोश था, और जैसे ही मैंने कैमरा ढोल वालों की तरफ मारा तो ढोल वालों ने और ढोल तेज़ कर ली, और अब आप देखें इन ढोल वालों के कमाल। हाँ जी, तो जब मैं उधर खड़ा था, पास ही मुझे एक लड़का नज़र आया जिसने अपने बेटे को पकड़ा हुआ था। मैंने उसका हाथ उठाने की कोशिश की, तो वो भी आगे से पीछे हो गया, और उसने फिर बाद में मुझे स्माइल करके दिखाई, और मैं भी हंसना शुरू हो गया। तो फिर मैं अब अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करने लगा हूँ, और लास्ट में आपको बोलूँगा कि जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताए, और ख़ास कर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।